इधर देखने को मिलेगा। कीकी देती है सलजम खाने के लिए और बोलती है उसकी असिस्टेंट थैंक यू। तभी वहाँ पे आती है ली, जो कि जानना चाह रही थी कि आखिर कीकी इतनी खूबसूरत कैसे बन गई। तभी यहाँ पे जल्दी से कीकी असिस्टेंट खड़ी हो जाती है, कहती है तुम डायरेक्ट कैसे आ गई, आपको नहीं आना चाहिए था। मैं आवाज़ लगाती हूँ, कहती ओए चुप कर, बड़ी आई कीकी की चमची। वो उसे अनाप शनाप बोलती है, बेचारी चुप हो जाती है। तभी यहाँ पे कीकी बोलती है कि ये लड़की कौन है, तो यहाँ पे बोलती है कीकी की असिस्टेंट ये है सी की बहन ली, और यही सब आपको बहुत बुली करते थे जब आप पागल थी। तो कहती है ओ अच्छा ये बात है, ये लोग मुझे बुली करते थे। बोलती है कीकी तुमने परमिशन किसे दी आने की अंदर, हाँ बोलो। कहती है मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मेरा जब दिल आएगा मैं आऊँगी। कहती है अच्छा तुम प्रिंसेस हो, तो मैं भी यहाँ की प्रिंसेस से कम नहीं हूँ समझी, और अभी कभी निकल जाओ यहाँ से वरना धक्के मार के निकाल दूँगी। यहाँ पे बोलती है तुम्हारी इतनी ज़रूरत, कहती है अभी मेरी ज़रूरत तुमने देखी कहाँ है। इधर सच में कीकी उसे धक्का मारती है, और धक्का मार मार के अपने रूम से उसे बाहर घसीट के फेंक देती है, और कहती है ज़रूरत भी मत करना मेरे पास वापस आने का, और दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे काफ़ी ली गुस्सा होती है। और केकी बोलती है चलो आओ बैठो, अब बैठ के खाओ इंजॉय करो। कहती है माई लेडी ये तो बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पे फिर से वापस आ जाती है ली, और कहती तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुमने एक प्रिंसेस को बंद किया। तभी ली अंदर आती है और बोलती है फिर से तुम अंदर आ गई, तुम्हें शर्म नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें धक्के मार के निकाले थे। और वो अपना खाने लगती है, कहती है क्या काम है। तो यहाँ पे बोलती है अरे माई लेडी तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो पाउडर निकालती है जिसमें केमिकल रहता है, जिससे कीकी की चेहरा और ख़राब हो जाए। और यहाँ वो पाउडर देखती है, उसके स्मेल से ही वो छींक मारती है, और वो छींक जैसे ही मारती कीकी की सारी जो पाउडर होती है फेस पे ली चली जाती है। वो 9 तो 11 हो जाती है कि अब उसके फेस का क्या होगा। ये बेचारी कीकी दौड़ के आती है सॉरी कहने के लिए कि उसने तो ये जानबूझ के किया ही नहीं। और यहाँ पे कीकी असिस्टेंट काफ़ी हंसती है, कहती है बहुत अच्छा माई लेडी आपने उसे सबक सिखाया। कहती है लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इधर लू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कीकी और ली में बहसबाजी हो गई है, और ये सारी तमाशाएँ हुई हैं। कहता है ठीक है तुम थोड़ी और निगरानी रखना। कहती है ठीक है। इधर ली काफ़ी टेंस में आ जाती है कि उसका स्किन कहीं ख़राब ना हो जाए, और इधर सी काफ़ी गुस्सा करती है कि उसकी बहन ने उसका काम नहीं किया। तो उसकी असिस्टेंट कहती है माई लेडी पहले आप अपना ध्यान रखिए, इस चीज़ से गुस्सा मत करिए वरना आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। कहती हाँ वो तो मुझे कुछ करना होगा। इधर देखने को मिलेगा महल की रानी को, और यहाँ पे वो पी रही होती है ड्रिंक, तो यहाँ पे उसकी लेडी आके हाइनेस कहती है, और तभी उसके पीछे उसका बेटा होता है यानी कि किंग जी, किंग जी उसका बेटा है योर हाइनेस का। और ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका बेटा बहुत दिनों के बाद फाइनली उस अपनी माँ से मिलने के लिए आया है, और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उससे मिलने आए हो, तुम मेरे बेटे हो। तभी उसको याद आ जाती है कीकी का चेहरा अपनी माँ में, और वो ये देख के स्माइल करता है, कहता ओह नो मैं भी क्या सोच रहा हूँ। इधर जो कीकी होती है जो कि किंग जी को प्यार कर बैठी है, यहाँ पे बोलती है उसकी असिस्टेंट कि माई लेडी कब तक तुम इस तरीके से करती रहोगी, प्लीज़ बैठ जाओ थक जाओगी तुम। कहती है नहीं मुझे कुछ सोचना चाहिए, मुझे मिलना है किंग से, जो कि उसको पता नहीं होता उसका ठिकाना कि वो है कहाँ, महल तो इतनी बड़ा है। तभी उसे आइडिया आता है, वो असिस्टेंट के पास जाता है और ये दोनों, और यहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ मान जाओ ना। कहता है असिस्टेंट सू नहीं मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पे वो इधर उधर देख रही होती शायद वो इसके अंदर हो, यहाँ पे बोलता है सू क्या देख रही हो, तो बोलता है बोलो। यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं वो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। अच्छा किंग जी कहाँ है ये बता सकते हो। यहाँ पे बोलती है असिस्टेंट की अच्छा किंग जी से मतलब है। तभी इतने में कोई क्रॉस करता है, ये लोग जल्दी से डर के छिप जाते हैं और चोरी छुप के देख रहे होते हैं जहाँ से डोली पास हो रही होती है जिसमें सारे लोग थे। इसको लगता है कीकी को शायद किंग जी इसी में हो, तो कहती है पक्का किंग जी इसी में है। तो यहाँ पे बोलती है उसकी असिस्टेंट क्या करिए। कहती है शू हल्ला मत करो बस देखती जाओ। तभी
तभी वो झूठ मूठ का उस डोली में टकरा के गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है तो उसे वो कोई गोद में पकड़ लेता है। उसे लगता है कीकू को उसका सपना का राजकुमार पकड़ा हुआ है। वो अपनी आंखें खोलती है बट वहाँ वो नहीं, असिस्टेंट सू होता है, कहता है हाय माई अगली लेडी, और उसे छोड़ देता है। वो धक्का दे के बेचारी नीचे से फिर से बैग में उसे कस के चोट आता है। तभी बोलती है ओ कोई है मेरी हेल्प करने के लिए प्लीज़। उसे लगता है उस डोली में किंग जी बैठा है तो वो उसको हेल्प करेगा और वो निकलेगा बाहर। तभी वहाँ से एक आदमी उसे पत्थर देता है जो कि किंग जी तो नहीं था पर कोई और था, वो उसे दे देती है। यहाँ पे वो उसे देखती है इस पत्थर को कि ये क्या है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे लुक प्रैक्टिस कर रहा होता तलवारबाजी का, और यहाँ पे कीकी उसकी असिस्टेंट आती है एक एकदम हीरो बनकर, हीरोइन भी नहीं हीरो, कहती अब देखो मेरा काम, इसको मैं उड़ाऊँगी और इसके अंदर जाऊँगी, पक्का यहाँ तो किंग जी ज़रूर रहते होंगे। और यहाँ पे वो बड़ा सा बम को फेंकती है जो कि लू के तलवार इतना पावरफुल है, वो उल्टा ही उसी के पास जाता है जो कि उन दोनों ने नहीं देखा होता, अपने कान बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बूम से होता है और यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। यहाँ पे लू बोलता है बेवकूफ़ लड़की, क्योंकि लू को सब पता है। और अब हाल कुछ कीकी का उसके असिस्टेंट का ये रहता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत फनी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। उनके खांसने से भी धुआं ही आती है, वो लोग बेचारी 9-10-11 होकर भाग रही होती है, छिप रही होती है, कहती है माई लेडी ये क्या हो गया, यहाँ तो हम ही लोग के साथ रिवेंज हो गया, कहती है हो हाँ। तभी एक गिटार की आवाज़ आती है जो कि बहुत सुरीली होती है। ये सुनकर कीकी उसके असिस्टेंट जाती है। फाइनली कीकी इतनी खुश होती है कि उसको उसका राजकुमार मिल गया, यहाँ बेचारी सुबह से उसे ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे कहता कौन है, तभी जल्दी से वो मुंह छिपा लेती है क्योंकि उसकी मुंह की हाल कुछ जानते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से था। अब वो ना चाहते हुए वो मुँह नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर किंग जी समझ जाता है कि वो कीकी है तो वो हटा देती है, कहती है कि हाँ मैं हूँ। तो कहता है तुम्हें क्या हो गया, कहती है कुछ नहीं वो बस ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे क्यों है ना, कहती हाँ 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 हम लोग के मुंह में से इतने काला लग गया। तभी यहाँ पे वो बोलती है ओह माय गॉड मुझे पता भी नहीं था इतना सारा काला मेरे ही फेस पे लगेगा। तभी वहाँ पे किंग जी हैंकी से उसे साफ़ करता है। ये देख के तो कीकी के दिल में लड्डू से लड्डू फूट रहे होते, लेकिन कहती नहीं मैं इस तरीके से नहीं देख सकती उन्हें, कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कल सुबह तुमसे पक्का मिलूँगी ठीक है। इतना कह के वो चली जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए कुछ बना रही होती स्पेशल, और यहाँ पे वो बहुत खुश होती है, मानो उसको दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। तभी यहाँ पे आती है उसकी असिस्टेंट, तो कहती नहीं तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तुम यहीं रहो। और इधर किंग जी इंतज़ार कर रहा होता है, तभी यहाँ पे कीकी आती है और कीकी उसे एक डॉल देती है गिफ्ट में। तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ बोलो, ये सोच रही होती है कि उसने दे दिया लेकिन दिया नहीं होता है। तभी वो बोलता है कीकी, तभी बोलती है हाँ कि मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कहता है मेरे लिए तुमने खुद बनाया, कहती है हाँ कैसा लगा, कहता बहुत अच्छा है। और अब ये सारी बात लू का असिस्टेंट लू को बता रहा होता है कि कीकी और किंग जी मिले थे और ऐसी ऐसी बातें हुई थी, कहता है ठीक है। इधर जो हमारी कीकी होती है वो पहनती है कैप और पहन के भाग रही होती है, तभी फिर वो मिल जाती है ज्ञान से, ओल्ड मैन से, उसी से जिसने एक बार बचाया था उसे, कहती है शू हल्ला मत करना, कहता है ये लड़की भी ना हर जगह टकराते हुए मिलती है। तो अब हमें देखने को मिलेगा जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था जहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई थी, हुआ यूँ था कीकी सो जाती है और सो के उठती है तो उसे लगता है कि वो पुल उसका है, और वो पुल को देखती है जिसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये पूल में पक्का किंग जी आते होंगे नहाने के लिए, जिस वजह से वो आ जाती है नहाने के लिए, पूलों से खेलती हुई वेट करती है, इंतज़ार करती है, लेकिन वो पूल तो माई लॉर्ड यानी लू का था। तभी ये देखकर वो काफ़ी कस के चिल्लाती है क्योंकि वो बिना कपड़ों की होती है, कहती है आँखें बंद करो। तभी उसकी आवाज़ से लोग आते हैं लेकिन यहाँ पर लू से छिपा लेता है, और यहाँ पे बेचारा असिस्टेंट सू कहता ये क्या, अगली तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहता जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मेरे बिना पूछे तुम सब कैसे आ सकते हो। वो गस के गुस्सा करता है लू, सब लोग जल्दी जल्दी वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। यहाँ पे कीकी देखती है, कहती तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो। यहाँ पे कहता शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें कैसे पता, हाँ पता भी नहीं है कि ये मेरा पुल, मेरे पुल में कोई नहीं आ सकता, कहती है
अच्छा मुंह आप उधर भी देखो ना, इधर मत देखो, यहाँ पे सारे लोग फुसफुसा रहे होते हैं कि कीकी अल्लू के बीच कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे असिस्टेंट सू कहता है साइलेंट हो जाओ वरना मेरा दिमाग सटक गया तो समझ जाना। तभी यहाँ पे लू अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कीकी से कि तुम यहाँ कैसे आई। अब ये बेचारी फुसफुसाने लगती है कि क्या करे, कहती है माई लॉर्ड आई कांट लुक एट माई लव, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने प्यार को ढूंढ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ मेरा प्यार मिल जाए, और रात में मैं सो गई थी यहीं पे, मुझे लगा कि ये मेरा पूल है। वो बेचारी अनजान बड़ी थी और रो रो के कह रही थी। यहाँ पे बोलता है अच्छा ओ ये बात है। यहाँ पे हंसती कीकी कि चलो अब तो वो समझ गया, लेकिन वो उसे पुश करता है और पानी में गिरा देता है। इसी के साथ फ्रेंड्स यह एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छा